कहा नौ में आपका स्वागत है। आज आप एक बहुत ही मजेदार और रंगीन चुनौती देखेंगे। आज का दिन स्वादिष्ट ही नहीं बेहद खूबसूरत भी होगा, तो कहीं जाइएगा मत, आराम से बैठिए और इसके मजे लीजिए। हुर्रे, एक विशेष कैंडी डिस्पेंसर और मेरे पास एक डोनट है, इतना बड़ा और स्वादिष्ट। लगता है कि हम सब बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि मेरे पास लॉलीपॉप है। मैं बस इसे जल्द से जल्द चाटना चाहता हूँ। इसके अंदर एक राक्षस है, अब मैं उसे कैसे चाटूं? तुम चिल्ला क्यों रहे हो? वैसे भी मैं अपना डोनट पहले खाऊंगी। देखो यह कितना खूबसूरत है, मुझे भी चाहिए। पोलिस, तुम्हें अपने दोस्त के साथ साझा करना चाहिए। कितना दर्द हो रहा है, ये तुमने क्या किया? मैंने अपनी उंगली लगभग काट ली। मुझे माफ करो। चिंता मत करो, मैं इसे अभी ठीक कर दूंगा। मेरे पास दो बहुत अच्छे बैंडेड्स हैं, वे तुम्हारी उंगली बचा लेंगे। लेकिन उससे पहले मुझे खुद को थोड़ा तरोताजा करने की जरूरत है। बहुत स्वादिष्ट था, अब बैंडेड लगा देता हूँ। सोचा था कि तुम मेरी मदद करोगे, लेकिन तुमने मेरा डोनट खा लिया। लालची, तुम किस तरह के दोस्त हो? मैं? हाँ, या मैं नहीं था। डोनट अपने आप गिर गया, मैंने छुआ भी नहीं। तुम्हें पता है ना कि तुम्हें अब ये गंदी लॉलीपॉप खानी होगी। मुझे उम्मीद है इसके अंदर बिच्छू जिंदा होगा। लो यह खाओ। अरे तुम ऐसा नहीं कर सकती, वैसे इसका स्वाद उतना बुरा भी नहीं है। मुझे नहीं लगा था कि ये इतना स्वादिष्ट होगा, मुझे इसे पहले खाना चाहिए था। सबसे स्वादिष्ट कैंडी है जिसे मैंने कभी चखा है, मैं इसे अपने मुंह से निकालना भी नहीं चाहता। यह क्या है? मुझे मेरे कैंडी खाने से रोक रहा है। यह बिच्छू है, मैं इसके बारे में भूल गया था। चलो जाओ, हटो यहाँ से, निकलो तुम दोस्त मॉन्स्टर। एंडी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने कायर निकलोगे। यह मेरी कैंडी खाने का समय है, देखते हैं कौन सा सबसे स्वादिष्ट है। शायद हरा, शायद, लेकिन बात यह है कि वह मेरी है। सभी हरी ट्रीट्स मेरी हैं। देखो मेरा टी शर्ट भी हरा है। तब मुझे आशा है कि लाल मुझे खुश कर देगा, और वह मेरी है। देखो मेरे पास लाल टी शर्ट है, तो मुझे मेरी कैंडी दे दो। क्या क्या है फिर, मेरी कैंडी कौन सी है? तुमने मुझसे लगभग सब कुछ ले लिया लालची, पर अभी भी मेरे पास काफी कैंडीज हैं, और तुम्हें वे सब मिलेंगे। मैं उन्हें एक गुलेल के साथ तुम तक पहुंचाऊंगी। जैसा लगता है कि बहुत तेज और सुविधाजनक तरीका है। चोट लग रही है, बस हमें बहुत दर्द हो रहा है, बस करो, बहुत हो गया। अरे नहीं, मेरे पास केवल एक पीली कैंडी बची है। ये सही नहीं है, हालांकि उन दोनों को दर्द में देखकर मेरा दुख थोड़ा कम हो रहा है। चोट पहुंचाकर खुश हो रही है। देखिए किस बार हमारे लिए क्या है। रुको, मैं पहले जाऊंगी, मुझे ये खोलने दो। वाह, गमी बियर, बहुत स्वादिष्ट होगा। मैं जल्द से जल्द उसका कान काटना चाहती हूँ। हाँ, ये एक मजबूत भालू है। कान काटना लगभग असंभव है। पंजा खुद ही निकल गया। बहुत अच्छा, कम से कम मुझे कुछ अच्छा मिला। हमें भी दो ना, तुम्हें देखकर हमें भी खाने का मन कर रहा है। नहीं, मैं तुम्हें ये नहीं दूंगी। ये बहुत ही स्वादिष्ट है, मैं ये सारा खुद ही खाऊंगी। यह कमाल के है। बारबी, हमारे पास केवल एक ही रास्ता है, गमी के टुकड़ों को पकड़ना और उन्हें खाना, ताकि हम कम से कम कुछ तो खा सके। ठीक है, तुम वह सब खाओ, वैसे भी उनका कोई काम नहीं है। मुझे जानना है कि मेरे लिए कौन सा स्वादिष्ट ट्रीट इंतजार कर रहा है। स्वादिष्ट तुम्हारे लिए अच्छा है। नहीं धन्यवाद, मैं अंडे नहीं खाऊंगी। कच्चे है तो क्या हुआ, तुम्हें सब कुछ खाना होगा। कितने क्रूर हो। चलो ठीक है, अब तुम्हें बहुत आश्चर्य होगा कि असल में ये अंडे गमी के बने हैं। गमी तो नहीं लग रहा है, क्योंकि ये कच्चे अंडे हैं। तो अब मैं क्या करूं? अरे हाँ,
मैंने ऐसे ही नहीं खाऊंगी, इसलिए मुझे लगता है कि इसे एक स्वादिष्ट कॉकटेल बनाना अच्छा विकल्प होगा। मुझे लगता है कि सही आइडिया है। अरे ध्यान से करो, पता नहीं क्यों पर मुझे लग रहा है कि इसका स्वाद साधारण अंडों से भी बदतर होगा। सुनो, सिर्फ ईर्ष्या हो रही कि मैं एक स्वादिष्ट कॉकटेल पीऊंगी और तुम सिर्फ बैठकर मुझे देखोगे। अब मैं साबित करूंगी कि अंडे का कॉकटेल बहुत स्वादिष्ट होता है। ये तैयार हो गया है। चलो पीना शुरू करती हूँ। ये इतना गंदा है कि इसे निगलना भी नामुमकिन है। ये तुमने क्या किया? अब मैं अंडे की तरह बदबू मारूंगा। अब आखिरकार तुमसे कोई अलग महक तो आएगी। हाँ ठीक है ठीक है, मेरे कवर के नीचे क्या है? नहीं, केवल मटर नहीं, इसे खाने के बाद मुझे गैस हो जाती है। खाओ, तुम नियम नहीं तोड़ सकते। जब ये जार में हो तो इसे मैं कैसे खा सकता हूँ? मुझे नहीं पता कि ऐसे कैन को कैसे खोलते हैं। यहाँ कोई कैन ऑफर तो नहीं है। खास ऐसी स्थिति के लिए मैं एक लेकर आई हूँ। तुम ज्यादा ही जल्दी खुश हो गए, अब तुम मटर का मजा लो। आशा है कि पहले मटर के बाद ही मुझे टॉयलेट नहीं जाना पड़े। चलो देखते हैं इसका स्वाद कैसा है। वाह, मैंने नहीं सोचा था कि मटर इतने स्वादिष्ट होंगे। मैं तो इन्हें तुरंत खा पाऊंगा। ओह, यह अद्भुत है। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे गैस हो जाती है। तुमने इस पूरे कमरे की क्या? वाह बर्गर, इसे कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे पूरा यकीन है कि मेरे पास कुछ और बेहतर होगा। कीड़े, प्लीज कोई मुझसे कहो कि एक मजाक है। आज का दिन तुम्हारे लिए नहीं है एंडी, शायद मुझे तुम्हारे साथ शेयर करना चाहिए। तुम लेना चाहते हो? हाँ हाँ क्यों नहीं, धन्यवाद। वो तो बनाया, तुम इतने भोले नहीं हो सकते। पर अब तुम्हारे पास कीड़े हैं, इसलिए तुम्हें खाने के लिए शुभकामनाएं। छी, ये कितने स्लाइमी है, मैं तो इसे उठा भी नहीं पा रहा हूँ, ये फिसल जा रहे हैं। तुम इस तरकीब से बच नहीं सकते, तुम्हें ये खाना ही पड़ेगा। ये चॉपस्टिक ले लो, ये तुम्हारी मदद करेगी। तुम मेरी सच्ची दोस्त हो। बस उंगली क्रॉस करके रखता हूँ कि काम ना करे। कोशिश करके देखता हूँ। अरे नहीं, एक पकड़ा गया। ओह माय गॉड, ये बहुत घिनौना है। ये कीड़ा मेरे गले में फंस गया है, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। ओह, मुझे लगता है कि मैं अपना गला साफ करने में कामयाब रहा। नहीं, क्या तुमने सच में ये मुझ पर थूक दिया? हाँ, पर केवल इतना ही नहीं है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और बुरा सरप्राइज है। वो कीड़ा मेरे बालों में फंस गया है। एंडी, मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ। आशा है कि मेरा बर्गर मुझे शांत करने में मदद करे। अब समय है इसे खाने का। स्वादिष्ट, लेकिन मेरे मुंह में कुछ क्यों चल रहा है? अरे नहीं, ये फिर से कीड़ा है। घिनौना, ये मेरे मुंह में कैसे आया? ये मेरे पूरे बर्गर के अंदर भरा हुआ है। माफ करना, मेरी तबीयत खराब हो रही है। इस बार मैं पहले देख रहा हूँ, एक गुलाबी कैक्टस। क्या पता नहीं, ये अभी सामान की तरह कटीला है क्या? ओह हाँ, वाह, मेरे पास एक बहुत बड़ा स्नीकर है। लेकिन यह उचित नहीं है, तुम्हें हमेशा स्वादिष्ट मिलता है। ओह, मेरा सेल। ध्यान से जेन। ठीक है अंडी, और मेरा ध्यान भटकाना बंद करो, मुझे अपना स्नीकर काटना है अभी। ओह रुको, बस करो। ठीक है, सब हो गया। देखो इसके अंदर कितनी सारी चीजें हैं। मैं इसे खाने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती। तुमने मेरी पूरी टी शर्ट पर दाग लगा दिया। मैं बस ऐसे बैठकर ये सब नहीं देखूंगी। रुको जेन, मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगा। मैं अपने कैक्टस और एक कैंची ले लेता हूँ। ये तुम्हारे ट्रीट को बर्बाद करने के लिए काफी है। मैं बहुत खुश हूँ और मुझे और चाहिए। मेरी जीभ पूरे कांटों से भर गई है। देखो तुमने क्या किया है एंडी। मुझे लगता है मैंने भी थोड़ा ज्यादा कर दिया है।
पर चिंता की कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा इलाज करूँगा। चलो देखता हूँ कि मेरे पास कौन से उपकरण है। एक स्केल पे नहीं, यह काम नहीं करेगा। शायद एक कुल्हाड़ी, नहीं यह भी नहीं। तुम्हें आरी की भी क्यों जरूरत है? मिल गया, मुझे एक ट्वीज़र चाहिए। इससे मुझे चोट तो नहीं लगेगी ना हैंडी? नहीं बस हो गया, परेशान होने की कोई बात नहीं थी। धन्यवाद, अब तुम खाओ। ठीक है ठीक है, तुम्हें कैक्टस को भूल जाना चाहिए था। यह कितना कड़वा है, मुझे कुछ बेहतर सोचना होगा। मेरे पास एक आइडिया है, मैं इसे एक स्मूदी बनाऊंगा और इसके लिए बस कैक्टस को एक ब्लेंडर में डालें और हाई स्पीड में चालू करें। हो गया, चलो देखते हैं कैसा निकला है। ये अच्छा दिख रहा है, अब बस इसे ग्लास में डालना है। ये एक असली मीठा कॉकटेल जैसा दिखता है, आशा है कि मुझे ये पसंद आएगा। केवल इस स्ट्रॉ की कमी थी, अब इसे पीने का समय। इसके स्वाद में कोई अंतर नहीं आया है, ये अभी भी कड़वा है। सारी मेहनत बेकार हो गई। इतनी जल्दी नहीं एंडी, क्या इस बार मैं पहले शुरू कर सकती हूँ? धन्यवाद। काले नूडल्स कितना असामान्य, मुझे यकीन है कि यह स्वादिष्ट होगा। चलो देखते हैं कि तुम इसे एक स्टिक से कैसे हटा पाती हो। इससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मैं इसे खाने के लिए तैयार हूँ। अरे मेरा दूसरा चॉपस्टिक कहाँ है? अभी तो यही था, मैंने कुछ भी नहीं दिखा है। खैर ठीक है, इसे वैसे भी संभाल सकती हूँ। यह उतना आसान नहीं है जितना मुझे लग रहा था। उफ, मैं इसे उठा भी नहीं पा रही हूँ, बेकार स्टिक। ओह ध्यान से जेन, जब मुझे भूख लगती है मैं अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाती हूँ। यह स्वादिष्ट है, इसे मुझे तुरंत अपने हाथों से खाना चाहिए। इस स्टिक की कोई जरूरत नहीं है, बस मेरा हो गया। तुम कब तक मुझ पर सब चीजें फेंकती रहोगी? क्या तुम्हें थोड़ा खाना है? नहीं, मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी थाली में क्या है। एक विशाल केक, वाह बहुत बढ़िया, मैं इसे खुशी से खाना चाहूंगी। तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा केक कहाँ गया? ओ, यह तो धरती पर स्वर्ग के समान है। मुझे मेरा केक वापस करो अभी। पर मुझे बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। तो इसका मतलब तुम ये सब खा लोगी और मेरे लिए कुछ भी नहीं बचेगा? बस बहुत हो गया, मैं इसे ऐसे नहीं जाने दूंगा। यह लो जेन, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? और क्या तुम्हें लगता है मैं कुछ नहीं करूंगी? यह लो, इस सब की शुरुआत तुम्हें रोकी थी। मुझे लगता है मैं थक गई हूँ, अब इस सब का अंत होना चाहिए एंडी। हाँ वैसे केक वास्तव में स्वादिष्ट है, थोड़ा खा कर देखो। हाँ तुम सही कह रही हो, जरा देखो कितना बड़ा लॉलीपॉप है। तुम्हें क्या मिला है? हम अभी पता लगाएंगे। शेल्स, क्या मुझे ये खाना होगा? ये देखने में भी खराब है और इससे बदबू भी आ रही है, शायद मैं ये नहीं कर पाऊंगी। असल में यह मसल्स है, लेकिन ठीक है मैं पहले करने के लिए तैयार हूँ, इस रैपर की जरूरत नहीं है। एंडी तुमने मेरे चेहरे पर मारा, अरे क्या मैं एक दो बारी से खा सकती हूँ? हाँ नहीं बिल्कुल नहीं, और मैं सोच रही थी कि हम लोग दोस्त हैं। पर अब मेरा मीठा बदला लेने का समय आ गया है, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। चलो एंडी देखते हैं कि तुम्हें खट्टा लॉलीपॉप पसंद आएगा कि नहीं। ये कैसा स्वाद है, मेरा पूरा चेहरा मुड़ गया है। अरे कुछ नहीं बस नींबू है, मुझे पता है कि सब तुम्हारा किया धरा है। यह लो, अब मेरे सारे बाल में तुम्हारे लाल लगे हुए हैं। मुख्य बात यह है कि तुम्हारे बाल मेरे चुपा चुप पर नहीं है। मैं थोड़ा थक गया हूँ, ये बहुत बड़ा है, मुझे पता है मेरी मदद क्या करेगी। यह ड्रिंक, इस तरह से मैं यह जल्दी खत्म कर लूंगा। यह देखो, आशा करता हूँ कि मेरी योजना काम कर जाए। यह हो गया आराम से, वाह। पर अब मेरी जीभ में आग लग गई है, ओह मदद करो। मेरे पास बर्फ का एक टुकड़ा है, ये तुम्हारी मदद करेगा। धन्यवाद जेन, तुमने मुझे बचा लिया, अब तुम खा सकती हो। सच कहूँ तो मैं इसे खाने के लिए जरा भी उत्सुक नहीं हूँ, मसल्स बहुत खराब है, ऐसा लग रहा है जैसे कि बलगम खा रहे हूँ। ची ये बहुत घिनौना है, ये भयानक है। अरे चलो इसे खाओ चबा कर। एंडी मुझे परेशान मत करो, यह बेकार शेल किसी भी तरह से खुल नहीं रहा है। मुझे पता है कि तुम्हारी मदद कैसे करनी है, यह लो हथौड़ा पकड़ो। धन्यवाद, मुझे इसकी ही जरूरत थी, ये काम किया। अरे देखो यहाँ एक मोती है, अपने हाथ दूर रखो, ये मेरी है और ये बहुत सुंदर है।
ओके चलो खेल के माध्यम से यह तय करते हैं कि पहले कौन खोलेगा। वाह, मैं जीत गया। इसके अंदर क्या है? एक ऑक्टोपस। काश मैंने इसे नहीं खोला होता। मुझे यकीन है कि मेरी किस्मत अच्छी होगी। तुम्हारे साथ सही हुआ, मेरे पर हंसने की सजा है ये। चलो इसे खाओ। लगता है मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। छी, मैं नहीं कर सकती। तुमने ये मुझ पर क्यों फेंका? अजीब है, इससे अच्छी खुशबू आ रही है। तुम क्या कर रहे हो? रुको, क्या ये चॉकलेट है? क्या मुझे भी थोड़ा मिल सकता है प्लीज? नहीं, मैं इसे खुद ही संभाल लूंगी। भले ये चॉकलेट है लेकिन फिर भी ये घिनौना दिख रहा है। हालांकि मेरा ऑक्टोपस भी कोई बेहतर नहीं है। कितना स्लाइमी है, ये भयानक है। ठीक है, मैं चाटने की कोशिश करता हूँ। इसे मेरे सिर पर से हटाओ। मैं गिर रही हूँ। ना भयानक, मैं उठ नहीं सकती, मेरे पास ताकत नहीं है। ये अच्छा है कि ऑक्टोपस अब यहाँ नहीं है। हालांकि वो इसे याद रखने के लिए अपने पीछे कुछ छोड़ गया है। मेरे चेहरे को क्या हुआ? इस पर उसके सकर के निशान है। हालांकि ये मजेदार लग रहा है। मुझे शुरू करने दो। न्यूटेला, बहुत बढ़िया। क्या तुम्हें यह अजीब आवाज सुनाई पड़ रही है? ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये कितना बड़ा कीड़ा है। चलो इसे जल्दी से खा लो, इसके बाद से मेरा दिमाग खराब हो रहा है। ये इतना आसान नहीं है लेकिन मैं कोशिश करूंगी। उसने मुझे काटा। डरपोक। एंडी, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती पर तुम्हारे सिर के ऊपर एक बग है। ये लो मत, मैं उसे मार दूंगी। तुमने क्या कहा? मेरे सिर के ऊपर? अरे नहीं, वो मेरे बालों में इधर उधर भाग रहा है। रुको, मैं उसे मार डालूंगी। उप्स, मुझे लगता है कि वो तुम्हारे जार में गिर गया है। अब मैं ये ले लूंगी। अब दूसरी बार कोशिश करती हूँ। नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। मैं काफी दिनों से तुम्हें ये बताना चाहती थी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम्हारे सिर पर एक बहुत बड़ा बग है। ये किस लिए? माफ करना, मुझे जाना होगा। यहाँ बग है, अपने आप को बचाओ। स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई है। खुल जा सिमसिम। क्या यह फ्रेंच फ्राइज है? और मेरे पास गुलाबी फ्रॉस्टिंग वाला डोनट है। कैसा रहेगा अगर उसे अपनी उंगली पर लगा लूं तो? मुझे लगता है कि इस तरह से इसे खाना ज्यादा सुविधाजनक होगा। वाह, मुझे भी एक बार खाने दो। बिल्कुल नहीं, मैं इसे खुद ही पूरा खाऊंगा। कितना नरम है, तुम मुझे थोड़ा दे सकते थे। खैर, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। अब मैं तीखा फ्रॉस्टिंग बनाने जा रही हूँ। बस व्हिप क्रीम में टबैस्को सॉस डालना है। अब यह सही है। एंडी जरूर इस चाल में फंस जाएगा। देखो मेरे पास क्या है, इसे खाकर देखो। थैंक यू। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसे अपने डोनर पर लगाऊंगा, यह और भी स्वादिष्ट हो जाएगा। मेरे मुंह में पानी आ रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे मुंह क्यों जल रहे हैं। तीखा, बहुत तीखा है यह। यह काम कर गया। एंडी, यह तुम्हारी अपनी गलती है, लेकिन लगता है कि इसे रोकने का समय आ गया है। एक सेकंड रुको, मैं पंखा चालू करती हूँ। थैंक यू। धन्यवाद, अब मुझे बेहतर महसूस हो रहा है। अच्छी बात है, इसका मतलब है मैं खा सकती हूँ। छी, कितना अजीब स्वाद है। यह वह नहीं है जिसकी मुझे उम्मीद थी। खैर कोई बात नहीं, मुझे पता है कि इसे कैसे ठीक करना है। मुझे एक ब्लेंडर चाहिए। मैं इसमें अपने फ्राइज डाल दूंगी और फिर चॉकलेट सॉस। चलो देखते हैं कैसा लग रहा है। उतना अच्छा नहीं लग रहा है, पर आशा करती हूँ कि इसका स्वाद मुझे निराश नहीं करेगी। बस कुछ फिनिशिंग टच। वाह, तुम अच्छी लग रही हो जैन। यह अजीब बात है कि तुमने अभी नोटिस किया, पर किसी भी तरह से यह कॉकटेल अच्छा नहीं है।